नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों गर्मी आ गई है और गर्मी के बहुत सारे फ्लावर हमने लगा लिए हैं, क्योंकि अब जो विंटर वाले फ्लावर हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। देखिए तो अब हमें ज़रूरत है कि हम समर वाले फ्लावर लगाएं ताकि हमारे गार्डन में फिर से फूलों की बहार आई रहे। तो ये तो हमने कर लिया है और कई सारे जो मेरे समर के फ्लावर हैं वो लग गए और वो खिल भी रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि ये जो मौसम है, ये मौसम पत्तियों से बहुत सारे प्लांट को ग्रो करने का भी समय होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जैसे सकलेंट होते हैं, जो एक पत्ती से ग्रो हो जाते हैं। और वैसे तो ये काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन जब आप एक पत्ती से ग्रो कर लेते हो तो बहुत सारे आपके प्लांट बन जाते हैं और इस तरह से बजट में आपकी गार्डनिंग हो जाती है। तो आज मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन से सकलेंट हैं और कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि पत्तियों से ही ग्रो हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो बढ़ते रहते हैं। तो आपको मैं दिखलाती हूँ। देखिए ये जो प्लांट है ये अचवेरिया है। अचवेरिया की 3-4 वेराइटी मेरे पास है जो मैंने आपको ये दिखलाया। ये अचवेरिया की वेराइटी है, ये अचवेरिया की वेराइटी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो दिखलाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट को हम पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो लक्ष्मी कमल या अचवेरिया, पता नहीं क्या है, मैं तो इसे समझती हूँ कि अचवेरिया है, लेकिन कभी कभी इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल लक्ष्मी कमल की तरह ही होते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से एक पत्ते से ग्रो हो गए और कितनी बड़ी सी इनकी जड़ निकल गई है। तो कितना आसान होता है इन्हें एक पत्ते से ग्रो कर लेने पर, कि कितने आसानी से हम ग्रो कर लेते हैं। और ये काफ़ी महंगे भी होते हैं और देखने में उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आप देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इतने सुंदर प्लांट को यदि हम एक पत्ती से ग्रो कर लेते हैं तो कितने जल्दी कितने ज़्यादा हमारे प्लांट बन जाते हैं। तो इसे बहुत ही ईजीली हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, ये है क्रिसमस कैक्टस। क्रिसमस कैक्टस भी पत्तियों से ही ऐसे ही ग्रो होता है। यहाँ से पत्तियाँ हैं और पत्तियों से ही ये इनकी पत्तियाँ निकलती रहती है। तो इसे भी, जबकि नर्सरी में इसकी भी कॉस्ट जो है वो 400 है, 350 में तो मुझे मिला था, लेकिन उन्होंने कहा था कि 400। तो ये काफ़ी महंगे होते हैं और देखिए इतने महंगे प्लांट है जो कितने अच्छे से पत्ती से ग्रो हो रहा है। और भी कुछ मैंने पत्तियों से लगाया हुआ है दोस्तों, वो आपको मैं दिखलाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अचवेरिया की एक ये वेराइटी है, आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ से इसके नोड हैं, इसमें दो दो पत्ते निकले हुए हैं, दो जगह से, जहाँ जहाँ दो नोड है वहाँ से इनके पत्ते निकले हुए हैं। तो ऐसे ही ये ग्रो कर जाते हैं। और इनके और मैं दिखलाती हूँ आपको। तो एक और देखिए, ये है क्रासुला ओवाटा। क्रासुला ओवाटा की ये जो पत्तियाँ हैं, इसे भी आप बहुत आसानी से पत्ती से ग्रो कर, आपको दिख रहा होगा कि ये जो पत्ती है, ये पत्ती अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर चुकी है और सारी एनर्जी लगा करके यहाँ से इसके जो नोड एरिया है यहाँ से इनकी पत्ती निकल रही है। अभी बहुत बड़ी पत्ती नहीं निकली है इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं दिखला पा रही हूँ, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है ना, इनकी यहाँ पर इनकी पत्तियाँ निकल रही है धीरे धीरे। तो इसी तरह की जब ये बड़ी वाली पत्ती आप देख रहे हैं, ये बड़ी वाली पत्ती टूट करके गिर जाती है नीचे, तो धीरे धीरे पत्तियाँ जो है ना वो धीरे धीरे पतली हो जाती हैं, बिल्कुल एकदम ऐसी हो जाती हैं, बिल्कुल पतली सी हो जाती है। और उसके बाद इनका जो नोड है वहाँ से इनके जो शूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें देखिए जो शूट्स निकल गए हैं, है ना, ये निकले हुए हैं। तो यहीं से ये पत्ती ग्रो हो जाती है। और क्रासुला ओवाटा बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर होता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होता है। तो इस तरह से इसे भी एक पत्ती से हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था ये लीव्स ऑफ पेरुवेन की पत्तियों को मैंने लगाया था। और ये देखिए, आपको दिखलाती हूँ कि इसके कितने अच्छे से निकल गए हैं। देखिए इनकी जो रूट निकल गई है, तो ये भी पत्तियों से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इनकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर है, बहुत थिक सी है और बहुत ही अच्छी है। देखिए इतने अच्छे से इनके रूट निकल गए हैं। तो ये सारे जो प्लांट होते हैं वो पत्तियों से ही ग्रो हो जाते हैं। तो इसे मैं बाद में लगाऊंगी। और उसके बाद ये देखिए, ये है डोंकी टेल। डोंकी टेल की पत्तियों को भी आप इसी तरह से रख देते हैं तो इनके भी शूट्स निकल आते हैं। ये भी बहुत अच्छे से पत्तियों से ही ग्रो हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है आपको दिख रहा होगा, है ना, ये अचवेरिया की पत्ती और पत्ती के नोड से यहाँ से दो निकले हुए हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ लगाया हुआ भी है और आपको मैं दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया था। और ये देखिए पत्ती का तो अब वो हो गया है, पत्ती तो अब ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से ये जो बीज, इनके जो पत्ती हैं वो निकले हुए हैं। तो मैंने ऐसे कई सारे पत्ते को यहाँ लगा दिया है देखिए, और इन सबसे यहाँ पर शूट जो है ना, यहाँ देखिए निकल रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। और इसके बाद ये देखिए मैंने लगाया है,
ब्रह्म कमल की पत्ती, मैं इसको कोड़ के आपको दिखलाती हूँ। तो ये यहाँ पर ब्रह्म कमल की पत्ती को मैंने लगा दिया था, तो वे भी ब्रह्म कमल भी जो है वो पत्ती से ही ग्रो हो जाते हैं। और ब्रह्म कमल तो जल्दी नर्सरी में मिलता भी नहीं है। तो देखिए बहुत अंदर तक मैंने डाल दिया था, शायद निकले। देखिए दोस्तों इसमें भी रूट्स आ गए हैं, है ना, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए इसमें रूट्स आ गए हैं। तो पत्ती से ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ये है ब्रह्म कमल, इसके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर होते हैं। मैं सारा बॉक्स में आपको दिखला दे रही हूँ, आप बॉक्स में देख लें कि इनके भी देखिए रूट्स कितने अच्छे से आ गए हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने पानी से वॉश कर दिया, देखिए इनके रूट। और ये जो लीव्स ऑफ पेरिवेन है इनके भी रूट्स देखिए। तो ये सारे जो है पत्तियों से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए जब भी ये पत्तियों से ग्रो होते हैं तो ये काफ़ी पतले हो जाते हैं और तब इनकी जो पत्तियां हैं वो निकलनी शुरू हो जाती है। ये तो काफ़ी आपको शायद दिख नहीं रहा हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा पानी से धोकर दिखलाती हूँ तो शायद दिख जाए। ये देखिए है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ पर इनकी पत्तियाँ निकल रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पत्ते होते हैं जो पत्तियों से ही ग्रो हो जाते हैं और इतने ईजिली ग्रो हो जाते हैं कि आपको कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता है। और भी मैं आपको दिखलाती हूँ, एक और है कलेंचो जो कि सकलेंट वैरायटी का ही माना जाता है, उसकी भी पत्ती को मैंने लगाया दोस्तों, और मैं आपको निकाल कर दिखलाती हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं कलेंचो के प्लांट और मैंने पत्तियों को भी लगा दिया है। तो देखिए इसमें से कौन सी पत्ती जो पहले की है उसमें ले गए होंगे, मैं आपको दिखलाती हूँ पत्ती को निकाल कर। ये देखिए दोस्तों इसके रूट आ गए हैं, दिख रहा है ना, मैं पानी से धोकर दिखलाती हूँ। ये देखिए तो ये भी पत्ती से ग्रो हो जाते हैं और काफ़ी इजीली, और ऐसे तो बहुत ही महंगे होते हैं, 250-300 रुपए का एक कलेंचो का पौधा आता है जो कि जो हाइब्रिड वाला होता है जिसमें बहुत से गुच्छे गुच्छे से फूल आते हैं। और देखिए एक पत्ती से ये ग्रो हो गए हैं। तो दोस्तों आज मैंने जितने भी ये पत्तियों वाले जो प्लांट हैं जो पत्तियों से ग्रो हो गए हैं इनको मैं अलग अलग प्लांटर में लगाऊंगी। देखिए मैंने ये प्लांटर लिया है जो स्वीट्स के आते हैं, रसगुल्ला के आते हैं डब्बे, और इसमें ये हैंगिंग करने के लिए भी बना हुआ है, तो जब चाहे तो मैं इसे हैंग भी कर सकती हूँ। तो ऐसे दो मेरे पास प्लांटर हैं, डब्बे हैं जिसमें मैंने बनाया, और एक और ये ऐसे स्नैक्स वगैरह आते हैं उनके डब्बे हैं, उन सारे डब्बों को मैं यूज़ करूँगी। और कुछ मेरे इस तरह के भी प्लांटर हैं, इन सभी प्लांटर में मैं लगाऊंगी, तो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसे लगाने के लिए मैंने जो इसमें लिया है, तो सबसे पहले मैंने पत्ते लिए हैं, आपको मैं दिखलाती हूँ। ये देखिए मैंने सबसे पहले पत्ता लिया है क्योंकि ये बहुत से पत्ते मेरे गार्डन में निकलते रहते हैं, उसे मैं इसमें डाल देती हूँ, को दिख रहा है। और मैंने इसमें कुछ चारकोल भी डाला हुआ है क्योंकि ये जो है सकलेंट है, तो चारकोल डालने से सकलेंट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। चारकोल अपने पानी को इसमें होल्ड कर लेता है तो जिसके कारण बहुत ही अच्छी बन जाती है। देखिए मैंने डाल दिया है ये, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मिला करके। ये देखिए थोड़ा सा मैंने नीम खली भी इसमें मिला दिया है और अब सबको मैं मिला दे रही हूँ। अब इसके मैं आपको भरकर दिखलाती हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने लगा दिया, ये जो ये है ब्रह्म कमल, ये है पेरू लीव्स ऑफ पेरुवियन, और ये एचवेरिया की वैरायटी है, ये भी एचवेरिया है। देखिए यहाँ पर इसके नोड से निकले हुए आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे, एक एक प्लांट से एक पत्ती से कितने सारे इसके नोड से निकले हुए हैं, एक दो इसमें हैं और दो इसमें हैं। उसी तरह से एक और प्लांट है जिसमें से और भी निकले हुए हैं जो मैं आपको दिखलाती हूँ अभी। और यहाँ देखिए ये है एचवेरिया की एक और वेराइटी जो पत्ती से यहाँ पर पूरी बन गई है, और दूसरे वाले प्लांटर में भी मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं, और जब इन्हें इस तरह से सजा कर आप लगा देते हैं तो बस 10 से 15 दिन में इनके जो रूट्स हैं वो निकल आते हैं, और उसके बाद एक पत्ती से आपके बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो है ना कितना अच्छा, कितना ये ईजी वे में लग जाता है और कितना ये बजट में है गार्डनिंग। तो इस तरह से करके आप भी अपने घर में ऐसे पत्तों को लगा सकते हैं जिससे कि आपके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। और देखिए कितने कीमती प्लांट होते हैं, ये तो एचवेरिया की वैरायटी है, ये है क्रासुला ओवाटा, ये भी एचवेरिया है, और ये है क्रिसमस कैक्टस, ये एचवेरिया है, ये क्रासुला ओवाटा है। यहाँ पर ये देखिए एचवेरिया और लीव्स ऑफ पेरिवेन, और ये है ब्रह्म कमल। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट आपके बन जाते हैं। देखिए दोस्तों ये मदर ऑफ थाउजेंड, ये भी देखिए पत्तियों से ग्रो होता है, कितने सारे इसमें भी पत्ती हैं और पत्तियों से लगातार ये निकलते जा रहे हैं। तो इसे भी आप लगा सकते हैं और बहुत ही इजी वे में ये लग जाते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें लगा देते हैं, उसके बाद देखिए ढेर सारे इसमें से पत्ती निकलेंगे और ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्या है ना कितने सुंदर।
तो इनके भी पत्तियों में ही बहुत सारे इसके प्लांट निकलते हैं, तो एक पत्ती भी आप लगा लेते हैं तो आपके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। और देखने में कि आप भी अपने प्लांट को बना लीजिए दोस्तों। तो ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।